ये तो एक गामा पार्टिकल बना है, यही छोड़ के लोग कहाँ जी सकते हैं। ये क्या करें, ये सब ये अभी नहीं, वो हम करें सामने नहीं आया पूछो। इसके अलावा देखिए, एक बार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज निकालिए जो आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जांपल्स देखिए। जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स, राइट। अच्छे सुनिए मेरी बात, ये एग्जांपल्स जो है, इन एग्जांपल्स में हमें सिर्फ अभी फिलहाल के लिए इतना समझना है कि हमारा चार्ज जो है वो कंजर्व। वो कैसे समझा जाए, जो पहला एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है उसमें यूरेनियम जो एक पार्टिकल होता है, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो यूरेनियम का न्यूक्लियस जब टूटता है तो टूटने के बाद वो थोरियम बनाता है और साथ में अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 92, थोरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 90। तो 92 एटॉमिक नंबर का पार्टिकल टूट के अपने से कम एटॉमिक नंबर का पार्टिकल बनाएगा, तो उसने 90 एटॉमिक नंबर का पार्टिकल बनाया और साथ में हीलियम पार्टिकल निकला जिसको आप अल्फा पार्टिकल कहते हो। वो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। आप देखोगे कि स्टार्टिंग में रिएक्शन के पहले जो टोटल चार्ज था वो था 92, रिएक्शन के बाद भी टोटल चार्ज कितना है? 92। द चार्ज इज कंजर्व, ठीक। नंबर 2, एक तो यहां आ जाओगे इधर आओ, वहां उतनी आगे से नहीं देखेगा उसके, एक तो यही, हाँ एक यही लगाओ, एक वहां पीछे, अरे आगे पीछे लगा लो, तुम आगे लगा, यहां आ जाओ शाम, वहां से देखे जो बैग है एंजल भाई दक्षिणा के बाजू में आओ ना, आगे पीछे, वहां उतने पीछे क्यों बैठे, या और आगे आना है तो यहां आओ, इन दोनों के पीछे, यहां से ज्यादा ठीक दिखेगा, यहां पे आओ, दिखेगा आवाज बहुत दिख रहा है, तो सुनिए अच्छे से। यहां पे आपने देखा कि पहले भी जो आपका चार्ज था वो कितना था? 92, और बाद में भी जो आपका चार्ज है वो भी कितना है? 92, राइट। सो 92, 90 प्लस 2, 92, चार्ज इज कंजर्व। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने एक ऐसा पार्टिकल बनाया है जिसके बारे में आप नहीं जानते, ठीक है, मैं मानता हूं आप नहीं जानते। उसके बाद आपने इसके सामने ऐसे दो पार्टिकल्स बनाए जिनके बारे में भी आप नहीं जानते, इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल नहीं है, ये गामा पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? गामा। ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स के पार्ट है जिनको आप अभी नहीं जानते। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो आपका न्यूक्लियस जब डीके होता है तो रेडियो एक्टिविटी के फॉर्म में ये पार्ट्स निकलते हैं, ठीक। इनकी डेप्थ तो आपको दी जाएगी, बट 13 चैप्टर है। यहां पे आप इसका चार्ज कंजर्वेशन देखो, कैसे देखा जाए, गामा पार्टिकल रहता है न्यूट्रल, कैसा रहता है? न्यूट्रल। अच्छा, गामा पार्टिकल न्यूट्रल रहता है इसका मतलब है, यहां आश्चर्य, न्यूट्रल रहे 0, ठीक। अच्छा, गामा पार्टिकल ने टूट इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, पॉजिट्रॉन का चार्ज +1, चार्ज इज कंजर्व। थर्ड एग्जाम्पल में इसका उल्टा हुआ, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटता है, वैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर बहुत सारी गामा पार्टिकल्स बना सकते हैं। तो आप देखो, अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल गए हैं तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। उसके बाद तुम्हारे 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 100 गामा पार्टिकल्स बने, सब गामा पार्टिकल का चार्ज कितना है? 0। सबके सब न्यूट्रल है, अगेन द चार्ज।
राइट। तो मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि देखो क्या होता है ना कि चीजों को एक तरीका, बट द रिलेवेंसी इज इंपॉर्टेंट। ए बी चीजें होती, जैसे आपने पढ़ा ना चार्जिंग बाय कंडक्शन में, अभी अपन ने जितना पढ़ा है आई नो दैट इज नॉट सफिशियंट, बट आप अपनी फर्स्ट चैप्टर की बुक उठा के खोलिए, उससे ज्यादा उसमें वहां पे नहीं है। अगर आपको, मैंने आपसे पहले कहा था कि आप चार्जिंग बाय कंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो आप इक्वल डायमेंशंस के कंडक्टर्स के लिए पढ़ रहे हो। अगर ये डायमेंशंस इक्वल ना हो तो जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी वो इक्वल नहीं होगा। ये कहानी अपन बाद में समझेंगे जब अपन पोटेंशियल पढ़ लेंगे। अभी आप पोटेंशियल के बारे में जानते हो क्या? नहीं। द पोटेंशियल इज चैप्टर नंबर टू, वही लिखा है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वहां पे आपको नॉलेज मिलेगा कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक दोनों बॉडीज के पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। अब अभी हम बोल रहे कि दोनों बॉडीज के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा, बट उसके पहले डू यू नो व्हाट इज पोटेंशियल? नो। सो देयर इज अ वे, राइट? तो थोड़ा सा ना वेट करना पड़ता है आपको सब चीजें। व्हाट आई एम सेइंग दैट टू थिंग्स ओनली, वन द रिलेवेंसी, अनदर थिंग इज अ सीक्वेंस। माय वे इज सिंपल, मैं आपको इतनी डेप्थ दूंगा जो आपको आपके एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशियंट, बिलीव मी, विश्वास तो करना पड़ेगा, उससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। नंबर टू, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, टाइम पे चीजें बताई जाएंगी तो अच्छे से समझ में आएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा, राइट? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इधर देखिए, कल हमने ये देखा दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक? एंड व्हेन आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट? यहां पे एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक? एक कांस्टेंट है जो मीडियम के साथ बार बार क्या होगा, चेंज। मैंने इसको एप्सिलॉन के फॉर्म में नहीं लिख के किसके फॉर्म में लिखना है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब होता है ये जो एप्सिलॉन ना एयर के लिए, इसकी वैल्यू क्या कहलाने लगती है, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1। बहुत से बच्चों ने पूछा था कि ये एप्सिलॉन आर 1 कैसे आया, ये मैथमेटिकली सेटिस्फाइड करने के लिए उन्होंने लिया। ऐसी जैसे एप्सिलॉन आर एयर के लिए 1 निकाला है, ऐसे ही कूलर ने एप्सिलॉन आर वाटर के लिए भी कुछ निकाला था, एप्सिलॉन आर केरोसिन ऑयल के लिए भी कुछ निकाला था, एप्सिलॉन आर ग्लास के लिए कुछ निकाला था, मेटल्स के लिए कुछ निकाला था, राइट? सो दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स जो उन्होंने फाइंड आउट किए। फिलहाल के लिए एयर के लिए क्या होता है, 1, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एफ फॉर एयर इज इक्वल्स टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, में एप्सिलॉन आर 1 हो गया तो बचा एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच में जो कि r डिस्टेंस से सेपरेट है, कितना फोर्स लगता है एयर में, आप कहोगे 1/4 pi epsilon naught q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन द एयर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक? यही अगर मैं इसको ले जाऊं किसमें, पानी के अंदर, ये दो चार्जेस लिए और इन दो चार्जेस को पानी के अंदर डुबा दिया, तो जो सेम फोर्स का फॉर्मूला है वो वाटर के लिए या किसी मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पे अगर तुम्हें एयर के लिए नहीं, वाटर के लिए epsilon r की वैल्यू पता है, यू कैन फाइंड आउट द फोर्स, सिंपल। तो ये कहां हो गया, किसी मीडियम में, और दोनों को डिवाइड करोगे एफ ए अपॉन एफ एम, आपको किसकी इक्वल मिलेगा, एप्सिलॉन आर। वहां से आप एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन लिख चुके हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हुई, कोई दिक्कत तो नहीं? ये तीन कॉन्स्टेंट्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। यहां पे आपको एप्सिलॉन नॉट की मैथमेटिकल वैल्यू पता ही है,
8.854 × 10^-12। अगर आपको हाँ ठीक है, एक मिनट, पहुंच रहे न्यूटन माइनस वन मीटर, एक मिनट, उसके पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है तो आप 1/4 π ε₀ की मैथमेटिकल वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि होती है और सिंपल 9 × 10^9। ये इसीलिए निकालेगी क्योंकि ये आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी, न्यूमेरिकल्स करने में क्या करेगी, एप्सिलॉन नॉट थोड़ा डिफिकल्ट है ना सॉल्व करने में, दिक्कत जाएगी, लेकिन 9 × 10^9 लिखोगे तो सीधा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फाइन, इसके आगे बढ़े तो नाउ द क्वेश्चन टू यू, अच्छे से सुनिएगा, सब मिटा दिया, मुझे एसआई यूनिट निकाल के बताओ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ एप्सिलॉन नॉट। चलो फर्स्ट फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जो बच्चे लेट आ रहे हैं, लेक्चर्स आपको टाइम पे डाले जा रहे हैं, ज्वाइन द क्लास आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स, राइट, ध्यान रखिए, बार बार बोल रहा हूं, एक बार अगर आप आओ तो रेगुलरिटी सब नहीं करनी चाहिए, इक्का दो बेटा कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या बताई थी, 9.0 कौन सी कॉन्स्टेंट थी, की वैल्यू 1/4 वो, अच्छा हाँ ठीक, ये जहां पे आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी है ना, कल नोट्स में लिखवाई थी, उसी के बाजू में 1/4 π ε₀ की मैथमेटिकल वैल्यू लिख लीजिए, 9 × 10^9। अरे गुड, न्यूटन कूलम −2 m² आ गया, एम माइनस वन है, एम आर एस एम बस एम एल माइनस वन टी जीरो, चेक करो एक बार, यही आ रहा नहीं को, हाँ कितने हैं क्लास में जो भी बोल सकते हो व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट, टेक योर टाइम, निकालो निकालो जल्दी निकालो, प्रिंट, यू विल यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके आप एसआई यूनिट भी फाइंड कर सकते हो, आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हो, कितना दिमाग आप लगा पा रहे हो, बस नहीं बन रहा कोई इश्यू नहीं, कोशिश करो, दोनों आ गए, भाई हाँ गुड एक्सीलेंट आ गया, यही देखो यहां से दोनों आ जाएंगे, चलो देखो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल ली, ऐसा यूनिट किसकी निकाल ली, एप्सिलॉन नॉट की, यहां ले आओ, ठीक, इज इक्वल्स टू 1/4 π f(Q₁Q₂)/ अब 1/4 π की कोई ऐसा यूनिट होती है क्या, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन माइनस मतलब न्यूटन होती है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा न्यूटन, चार्ज की क्या होती है कूलम, तो चार्ज का स्क्वायर मतलब कूलम का, तो कूलम
नीचे क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा मीटर पावर माइनस। ये ऐसा यूनिट आपको ऑलरेडी लिखवाई थी कल, न्यूटन माइनस वन कूलम स्क्वायर मीटर माइनस टू। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, एम एल टी माइनस, नीचे लिख दो डॉट। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला एटी, फर्स्ट डे ऑफ द क्लास, दूसरे चार्ज का भी एटी, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर है दोनों अपॉन आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फोर पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या, नहीं, ठीक है। सारे सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे एम ऊपर जाएगा तो एम की पावर माइनस वन, एल और एल स्क्वायर एल क्यूब ऊपर तो है नहीं, ऊपर जाएंगे तो एल की पावर माइनस थ्री। लो ए स्क्वायर है, पहले टी लिख लो फिर ए लिखना, टी माइनस टू नीचे है, टी स्क्वायर ऊपर है, माइनस टू ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टी की पावर फोर हो जाएगी, टी फोर, कोई दिक्कत नहीं। बचा ए स्क्वायर तो लिख दो डायमेंशन, डाली साइड हेडिंग SI यूनिट एंड V डॉट F ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अमृता व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी की SI यूनिट क्या है, देखो देखो उसमें देखो ना, समझ में आएगा, पहले ये लिख लो SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो दोनों का, कैसे निकाला है वो भी, डब्ल्यू के टी वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला, साइड चेंज किया SI यूनिट निकाला, डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। The question can be shifted from Amrita to anyone. So, epsilon r की SI unit निकालना है आपको, ठीक है ठीक। देखो कॉपी देखो फॉर्मूला देखो epsilon r का निकलेगी। ईशा का क्या होगी एप्सिलॉन आर की यूनिट, देखो वहां से निकल जाएगी उस फॉर्मूले से, वो लिखो ना निकेत, लिख लिया बड़े आगे। चलिए बताइए कितने को पता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर, आदक्षता यूनिटनेस, कोई यूनिट नहीं होगी एप्सिलॉन आर की, कितने एग्री कर रहे हैं, बढ़ गए हाथ
देखिए एप्सिलॉन आर कल आपने लिखा हुआ है एफ ए अपॉन न्यूटन अपॉन न्यूटन, एप्सिलॉन आर इज नो यूनिट, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन दोनों की यूनिट सेम होती है और दोनों परमिटिविटी है, बट रिलेटेड परमिटिविटी अलग कॉन्सेप्ट, वो दो फोर्सेस का क्या है रेशियो। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट तो ये लिखिए, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन तो वो भी यही होगी, बट एप्सिलॉन आर इट इज यूनिट। ठीक, इसी के नीचे लिख लीजिए सिंस एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एफ ए अपॉन एफ एम कॉमा इट हैज नो यूनिट, it has no unit, chain kar raha hai sir, nahi kar raha, window close kar raha, chal light kar de raha hai, chalo ha kya kar raha, प्रॉपर्टी हेडिंग डाली प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते चलेंगे, अपने आप समझ में आती चलेंगे, बस इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखिएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर वन, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स, वो भी व्हाट डज इट मीन बाय द सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, इलेवेंथ क्लास चैप्टर नंबर वन, चारों फोर्सेस की प्रॉपर्टी में से दो फोर्स में था, इवन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, टूवर्ड्स ईच अदर, नॉट अवे फ्रॉम ईच अदर, सिर्फ अट्रैक्टिव है रिपल्सिव नहीं है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टूवर्ड ईच अदर तो पॉसिबल बस, सेंट्रल फोर्स हर्षिता, सेंट्रल फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो सेंटर है, सेंटर है हाँ, उसके बीच में जो फोर्स, हाँ भाई सेंट्रल फोर्स, तुम्हारा नाम क्या है भाई, तो फिर टूवर्ड्स सेंटर, कौन सा सेंटर, मे बी बिटवीन द टू चार्जेस, हाँ बोल बोलो बोल, उसके बीच में लगता है, तो दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच में लगता है, सेंट्रल फोर्स का मतलब है द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है जब आपकी फिजिक्स शुरू होती है, व्हाट इज सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब है मान लीजिए एक चार्ज है, दूसरा चार्ज, इन दोनों चार्ज के सेंटर से मैंने एक लाइन ज्वाइन की, इस लाइन के एज पर अकॉर्डिंग वर्क करेगा आपका फोर्स, मतलब
यहां इतने एरिया में वर्क करेगा ये फोर्स. दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस. जो दोनों चार्जेस के सेंटर से ज्वाइन करोगे लाइन, उस लाइन के इर्द गिर्द ये फोर्स क्या करता है, वर्क. तो ये सेंट्रल फोर्स कहलाता है, विच एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, सेंट्रल फोर्स, राइट. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स. आपने देखा होगा कि हमेशा आप एम वन एम टू लेते थे और उन एम वन एम टू के बीच में आप फोर्स निकालते थे, इधर उधर आजू बाजू नहीं निकालते थे. सो द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस. वहां पे आप कहते थे इट्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ द मैसेस. ये दोनों सेंट्रल फोर्स है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जानने लगे हूं. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स. इसकी आप बिल्कुल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे चैप्टर नंबर 13 में, वहां आपको पता पड़ेगा कि ये नॉन सेंट्रल है. मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लाइन जॉइनिंग द सेंटर पे वर्क करे, इधर उधर भी वर्क करता है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, राइट. सो सेंट्रल फोर्स लिखिए आई डॉट ई, उसी में आ गए आई डॉट ई. बेसिक्स बना लो पहले, बन जाएंगे तो आगे स्पीड बढ़ा देंगे अपन, अभी तो ठीक है. I dot it acts along the line joining the center. It acts along the line joining the center of both the charges. Of both the charges. Done. Number two. This force follows inverse square law. ये तो खैर पता होगा बहुत लोगों को. This force follows inverse square law. श्रेया क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ? कितनों को पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ? चलो इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं पता, बट दिस फोर्स फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसका मतलब राइट, F is inversely proportional to R square. Square के distance के inversely proportional है. लिखा है ना inverse square. मतलब distance के square के inversely proportional. Inverse square law. Right? लिख लीजिए. Inverse square law. Bracket में F is inversely proportional to R square. आवाज आ रही है? बोलो हेलो. अभी बोलना सक्षम? हाँ भैया. हाँ ठीक. हाँ ठीक. हाँ थर्ड प्रॉपर्टी, राइट. दिस फोर्स इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. दिस फोर्स इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. चलिए ये कौन समझा सकता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक चलिए मैं ही समझा सकता. सब आप समझाओगे तो पैसा मिलेंगे. बात तो सही. देख ये स्फीयर,
ये सेंटर पे एक चार्ज क्यू वन, ठीक। अभी दूसरा चार्ज तुम यहां रखो क्यू टू, दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा? सेम। क्यू टू को खिसका के यहां ले आओ लोग, तो अभी जो फोर्स इस डिस्टेंस पे लगेगा वही फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम, चेंज होगा क्या? नहीं। खिसकाओ क्यू टू को यहां ले आओ और ले आओ यहां, 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 कहीं पे भी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज होगा क्या? नहीं। मतलब एक चार्ज को तुम सेंटर पे प्लेस करो और दूसरे चार्ज को 3D में समझना। किसमें समझना? 3D। एक स्फीयर है, उस स्फीयर के सरफेस पे कहीं भी प्लेस करोगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होना है क्या? नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज आर। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब होता है कि स्फीयर में कहीं पे भी आप अगर दूसरा चार्ज प्लेस कर रहे हो तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या लगेगा? सेम। दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, ये डायग्राम बना लो। सब आर है, नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर। This force is a two body interaction. Two body interaction. I dot E. इसका मतलब है, it is not affected by it is not affected by the presence of other charges. It is not affected by the presence of other charges. ये लिखने के बाद कोई explain कर सकता है what is a two body interaction? कहां से आता है? Q3 की तरह, गुड, वेरी गुड। देखिए, इसे मान लीजिए एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच में पहले फोर्स डिस्टेंस आ था, कुछ फोर्स लग रहा होगा F, मान लो 10 न्यूटन। मान लीजिए यहां पे एक तीसरा चार्ज आ गया Q3। अब इसके आने से Q1 और Q2 के बीच में फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अभी भी कितना रहेगा? 10 न्यूटन। हो सकता है Q1 और Q3 के बीच में भी अब कुछ फोर्स लग रहा हो, डजंट मैटर, लगने दो, बट द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज सेम, इट इज 10 न्यूटन। हो सकता है Q3 और Q2 के बीच में भी कोई फोर्स लग रहा हो, लगने दो। तो जो Q2 और Q3 के बीच का फोर्स है वो Q1 के कारण अफेक्ट नहीं होगा, जो Q1 और Q2 के बीच का फोर्स है वो Q3 के कारण अफेक्ट नहीं होगा, और जो Q1 और Q3 के बीच का फोर्स है वो Q2 के कारण अफेक्ट नहीं होगा। कब तक? जब तक इनके बीच के डिस्टेंस चेंज ना किए। टू बॉडी इंटरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? अभी जब अपन सुपर इंपोजिशन पढ़ेंगे ना मल्टीपल चार्जेस का, तब अपन को यह हेल्प करेगा। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स तीसरे के आने से अफेक्ट नहीं करता, इट्स कॉल्ड टू बॉडी इंटरेक्शन। क्लियर? दीज आर दी फोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स। आगे बढ़े, देखिए कूलम्स लॉ हेडिंग,
इन सीजीएस कूलम्स लॉ इन सीजीएस अभी एसआई में पढ़ा था, अब किस में पढ़ना है? सीजीएस, क्योंकि आप सबको पता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट के चेंज करने से दो बॉडी के बीच का फोर्स क्या हो जाता है? चेंज। आपको बताया था द कॉन्स्टेंट के दैट इज द स्मॉल के डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, नंबर वन सिस्टम ऑफ यूनिट, नंबर टू नेचर ऑफ द मीडिया। वी आर डन विद द नेचर ऑफ मीडिया, ठीक। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी चेंज करके हम एसआई से किस में चले गए? सीजीएस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये स्मॉल के जो है वो सीजीएस में बन जाएगा वन अपॉन कैपिटल के। क्या बन जाएगा? वन अपॉन कैपिटल के, वेयर कैपिटल के इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या कहलाता है कैपिटल के? डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जैसे वहां पे हमने कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यहां पे हमने कॉन्स्टेंट कौन सा इंट्रोड्यूस किया है? वन अपॉन कैपिटल के, वेयर कैपिटल के इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अगेन कैपिटल के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। यहां पे अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा एफ इन एनी मीडियम वुड बी इक्वल टू, पहले आप लिखते थे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, अब आप के की जगह क्या लिख दोगे? वन अपॉन कैपिटल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बिटवीन द टू चार्जेस इन सीजीएस इन एनी मीडियम। जैसे वहां पे आपने एयर के लिए एप्सिलॉन आर क्या लिया था? वन। यहां पे आपका एयर के लिए कैपिटल के कितना होता है? वन। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एयर इज वन, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा फॉर एयर इज इक्वल्स टू क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर जरा डिवाइड करना, एफ ए अपॉन एफ एम कितना आ रहा है? एफ ए अपॉन एफ एम कितना आएगा? के। यू कैन डिफाइन के फ्रॉम हियर, द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इन एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन, या पहले एयर ले लो फिर मीडियम, एफ ए अपॉन एफ एम उल्टा होगा, पहले एयर फिर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो अगर पूरा सब कुछ अगर कंबाइन किया जाए तो यहां पे आप दो कंक्लूजन निकाल सकते हो। पहला कि आपकी पूरी की पूरी कहानी जिस कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करती है वो है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। कूलम ने चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ हर मीडियम के लिए किसकी वैल्यू दे दी? डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल फॉर एयर द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज वन, फॉर वॉटर द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज थ्री और फोर, फॉर ग्लास द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज 80, फॉर मेटल्स द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इंफिनाइट, राइट। तो आपको मेनली मोटा मोटी दो चार की डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे मुझे याद आपको भी हो जाएगी। के इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ ए, सीजीएस में है। However, I can also say, अगर आप कहो इजाजत दो, I can write K is equals to epsilon R. Dielectric constant is equal to the relative permittivity. क्योंकि relative permittivity भी क्या होता है? F upon dielectric constant भी क्या होता है? F upon ये भी point. तो ये जो formula है ये किसमें है? CGS. यहां से आपने निकाला that F A is equals to Q1 upon Q1 Q2 upon R square, या 1 upon K Q1 Q2 upon where K is called dielectric constant। यह आपका पूरा का पूरा खेल CGS का, सिंपल। ऐसे में सिंपल है। अब इसी के बाद जो क्वेश्चन हिट करेगा, लिखो इन CGS
CGS small k is equals to 1 upon capital K. Small k is equals to 1 upon capital K. Line change where capital K is equals to dielectric constant. Dielectric constant. Therefore, tin dot, ये लिखे, FM is equals to 1 upon capital K, Q1, Q2 upon R square. Equation number 1 दीजिए. As such, for air, line change करके, for air, K is equals to 1. तो ऐसे लिख लीजिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड 1 एंड 2 डिवाइड 1 एंड 2 ऐसे अपॉन एसएम कितना आ गया K. Line change. Thus, चार लाइन छोड़ दो. क्या लिखना है आपको पता है, राइट? चार लाइन के बाद लिखो नोट. नोट नंबर वन, इसे लिख लो के फॉर वाटर, के फॉर ग्लास, के फॉर मेटल्स के लिए भी बता दे रहे हैं. इजी कॉस्ट इजी कॉस्ट इजी कॉस्ट. एयर के लिए तो पता ही है 1. वाटर के लिए है 80, ग्लास के लिए है 3 और 4, मेटल्स के लिए इन्फिनाइट. वो जैसे मान लो क्वेश्चन आता है ना, तो ब्रैकेट में वैल्यू दी रहती है K is equals to something, right? अगर वैल्यू नहीं दी तुम कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं. नोट नंबर 2, K also depends on K also depends on temperature. यहां पर dielectric constant एक और चीज पर depend करता है जिसका नाम है temperature. I dot E, it decreases with, it decreases with increase in temperature. It decreases with increase in temperature. इसी में लाइन चेंज करके इसी नोट में E dot G, for example, for water, comma, at
20 डिग्री सेल्सियस इट इज 80. एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस इट इज 78.5. चेंज हो गया. ठीक, समझाने के लिए, याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपको बताया कि टेम्परेचर जब आप क्या करते हो इंक्रीज, तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, डिक्रीज. अगर पानी को भी आप दो अलग अलग टेम्परेचर पर रखोगे तो दो अलग अलग फोर्स की वैल्यू मिलेंगे. कहने की बात यह है क्योंकि दो अलग अलग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मिल रहे हैं. थोड़ा ही बहुत वेरी करेगा लेकिन कर रहा है, डेप्थ के हिसाब से पता होना चाहिए बस. ठीक, थर्ड नोट नंबर 3, के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर. के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर. प्रियांश, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ के, द इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट? गुड, वेरी गुड. ऐसे 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 पकड़ो. क्या हो, हाँ सोच. हाँ बेटा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ के? सोचो सोचो, अभी बताई थी जी. होगी नहीं. गुड, ठीक. यूनिटलेस, कोई इश्यू तो नहीं, राइट? के इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू एफ ए अपॉन एफ एम. न्यूटन से न्यूटन कैंसल. ये भी यूनिटलेस है, वो भी यूनिटलेस था. ठीक, लिखने की जरूरत नहीं, बताया बस. क्वेश्चन लिखिए, चल. ये नॉर्मल वो क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर. सारी 20 डिग्री बोलो ना, तो 20 डिग्री रूम टेम्परेचर. तो सारी की सारी वैल्यूज ये रूम टेम्परेचर पे निकाल. ठीक, जहां की तो कोई भी वैल्यू देखी जाए तो फिजिक्स में वो सारी वैल्यूज रूम टेम्परेचर, दैट इज 20 डिग्री रूम. वेरी, यहां पे 20-25 मतलब जो भी निकाला हो, जो भी टेम्परेचर लिया हो, वो रूम टेम्परेचर लिया. ठीक है, क्वेश्चन लिखे, चलिए. टू पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम. 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम सेपरेटेड बाय 1 मीटर, सेपरेटेड बाय 1 मीटर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 9×10⁻¹ न्यूटन. फुल स्टॉप. नाइन इंटू टेन पावर नाइन न्यूटन फर्स्ट ऑफ. हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे आर इमर्स्ड in water, comma, keeping the distance of separation same.
कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम, निकालिए. आ गया. उतना बेटा मैं आपको फिर से बता दूं, अच्छे से सुन लीजिए. राइट, आपको अपने पेपर की प्रैक्टिस जो आप लिख रहे हो उस पर नहीं करनी है, इस पर करनी है. बहुत अच्छे से सुन लीजिए, जो आपका पैटर्न है फिजिक्स का वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है. आप अगर अपना पिछले साल का पेपर उठा कर देखोगे तो डेरिवेटिव पार्ट कम है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है. तो आपका जो मेन पकड़ होनी चाहिए, अभी तक बच्चों की जो मेन पकड़ रही थी वो किस पर रही थी, थ्योरी पे. दे नो ऑल द डेरिवेशंस, दे कैन लर्न ऑल द डेरिवेशंस, बट अब वो चीज नहीं है. मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं. राइट, आप चाहे तो पिछले साल का पेपर देख ले, या कल ही सीबीएसई ने नया सैंपल पेपर रिलीज किया है 2023-2024 के लिए, आप वो देख ले. मोर देन 60-70% पेपर इज रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल टाइप. सिर्फ 5 नंबर के जो सेक्शन ई के क्वेश्चन है, जो 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते ना लास्ट सेक्शन, पहले लास्ट सेक्शन जो आपका था वो केस स्टडी था, अब उन्होंने चेंज कर दिया, लास्ट सेक्शन बना दिया है 5 मार्क क्वेश्चन, और सेक्शन डी जो बनाया है वो केस स्टडी बोर्ड में, कल ही देखा मैंने. तो जो आप सेक्शन ई के 5-5 नंबर के क्वेश्चन है ना, बस उसमें डेरिवेशन है, वो भी 3 मार्क का, 2 मार्क का साथ में एक क्वेश्चन फ्री. तो अभी से डरना नहीं है. आप सोचते हो कि नहीं बना तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं बना तो बात है. आज नहीं बना, कल नहीं बना, परसों तो बनना पड़ेगा डूड, क्योंकि यही आना है. ठीक, तो अपना जो माइंड आप वर्क करोगे सीबीएसई पीपल, वो मोस्टली इस पार्ट पे करोगे. एमपी बोर्ड पीपल, आपको ये सब क्वेश्चंस नहीं, आपको टोटल डेरिवेटिव आता है. यू कैन स्कोर इजिली 90+ अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ के जाते हो, इजिली यू कैन स्कोर 90+. राइट, अभी बच्चों का रिजल्ट आएगा उसमें आप देख लेना, बट सीबीएसई इज समथिंग डिफरेंट. मैं बार बार कह रहा हूं, सीखेंगे कैसे करना है, प्रैक्टिस कर करके. राइट, हाँ बताओ. हाँ ठीक, गुड. 7 पॉइंट × 10 पावर. हाँ सुभाष, गुड. नहीं है वो, अच्छे सुनना. कहा है कि जब एयर में था तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा था, 9×10 पावर. अभी वो वाटर में गया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 80. कितना सिंपल क्वेश्चन, तो वहां पे फोर्स कितना लगेगा. देखो एफ ए अपॉन एफ एम इक्वल्स टू क्या होता है, के. आपको क्या निकालना है, एफ एम. काय को फालतू में फॉर्मूले से जा रहे, क्या निकालना है, एफ एम. ट्रिक देखो, एफ एम निकालना है, फोर्स इन वॉटर निकालना है, फोर्स इन मीडियम निकालना है. देखो यहां से एफ एम को ट्रांसफर करो तो बन जाएगा एफ ए अपॉन के. एयर में दो बॉडीज के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 9×10 पावर 9 गिवन है, तो लिख दो यहां पे. एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ए अपॉन के. वैल्यू ऑफ एफ ए इज 9×10 पावर 9 न्यूटन, क्वेश्चन में गिवन है, एंड द वैल्यू ऑफ के इज 80. हो गया क्वेश्चन, 80 से डिवाइड करोगे, एक ये गया तो 8 बचा, और 8 से 9 गया तो 1.125×10 पावर 8.
ज्यादा मत सोचो, बिल्कुल रिलैक्स नॉर्मली चलो, हो जाएंगे। गुड, हो गया ये। एक और या तो क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख लीजिए। चले, फोर आइडेंटिकल स्फीयर्स are there, first of sphere 1 and 2, sphere 1 and 2 have charges q1 and q2 both pair. Have charges Q1 and Q2. With separation smaller. Full stop. Sphere one is touched with uncharged sphere 3. And sphere 2 is touched with uncharged sphere 4. Sphere 2 is touched with uncharged sphere 4. First of, separation between sphere 1 and 2 is reduced to half. Separation between sphere 1 and sphere 2 is reduced to r/2. आपको मतलब है r/2 लिखो, half मतलब आप 1/2 ना ले लो, reduced to r/2. First of, find new electrostatic force between sphere 1 and 2 in terms of previous force. Previous force का मतलब है कि initially जब उन पे charge Q1 और Q2 था और दोनों के बीच में distance कितना था? R. तो इस time पे जो force था वो मान लो क्या था? F. ठीक? इतनी सारी कलाकारी जो question में दी हुई है वो आपने की, और उसके बाद sphere 1 और sphere 2 के बीच में force कितना बचा? Fn. दोनों के बीच में relation निकाल. Now read the question carefully, step wise करो, answer आ जाएगा. आ गया? Four F1. चलो आराम से करो, फिर से करो. Good.
करो, करना नहीं है क्या है तो? आंसर न पूछो, तुमने कहा लो हमने हमने तुम्हारा गलत आया ना रफ जी, नहीं चल एक सॉल्व करो जल्दबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करो, टाइम 3 घंटा मिला थे। सेम है, पूछ रहे बता रहे, हमने पूछा तुम भी पूछ रहे। सेम रहेगा, निकालो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। फोर टाइम्स है, बस चेक कर रहे हैं। फोर टाइम्स कैसे है, Q1 upon 2 Q2 upon 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 नीचे आ जाएंगे, और R/2 का स्क्वायर तो R² / 4, तो 4 ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आ गया कोई वो सेम मिस्टेक, डिस्टेंस भी तो हाफ हुआ है, चार्जेस हाफ हुए, टच किया तो हाफ हाफ हो गए, तो upon 2 upon 2 वो तो नीचे 4 आ गया, फिर R/2 का स्क्वायर हुआ तो R² / 4 ऊपर गया, तो कैंसल आउट होकर वही बचा। देख सब समझो, जब दोनों चार्जेस Q1 और Q2 थे स्फीयर पे और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था R, तो फोर्स लग रहा था F = 1/4πε0 Q1 Q2 upon R². अभी मैंने इस स्फीयर को एक अनचार्ज्ड स्फीयर से क्या किया, टच, जैसे ही टच किया इस पे चार्ज कितना बचा Q1 upon, और आधा चार्ज इसका किसने ले लिया, इसने Q1 upon। सेम एक स्फीयर को इससे टच किया अनचार्ज को, तो यहां पे Q2 upon 2 और इस पे भी Q2 upon, ये पहले दो स्फीयर है, ये तीसरे और चौथे, इनका कोई सेंस है क्या, नहीं, टच करके इनको क्या कर दिया अलग। अभी जब टच किया उसके बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचा R/2। न्यू फोर्स निकालो जरा, Fn = 1/4πε0, चार्ज कितना बचा Q1 upon 2 Q2 upon R², डिस्टेंस कितना बचा R/2, स्क्वायर लो, कोई दिक्कत नहीं, upon 2 upon 2 4 नीचे आएगा, R² / 4 का 4 ऊपर जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, Fn कितना बचेगा 1/4πε0 Q1 Q2 upon F = दोनों फोर्सेस क्या है सेम। यही मैं उस दिन जब चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा रहा था, जब आपको बता रहा था, तब तो आप कैसा ही हो रहे थे, एक से दूसरे को टच कर रहे थे तो आधा सीधा हो जा रहा था, क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे दिखता है, इस टाइप से पूछता है, राइट। ऐसे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जाना है अलीफा, और किस किस की कोचिंग रहती है, सवाई की 6:30 रहती ना, 6:30 मतलब 7:45,
केकेडी सर का तो मैं बताया 6:40 के पहले नहीं कर। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखी क्या ना बॉडी। अच्छा ये नोट कर। क्वेश्चन होमवर्क दे रहे करके आना होगा से। बोलो क्वेश्चन लिख लिया ये एवरीवन। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 2.8 × 10⁻¹⁸ कूलम क्वेश्चन मार्क। जस्टिफाई योर आंसर। सिंपल है देखने में तो ठीक। हाँ जिनको जाना है वो जा, जिनको अभी सॉल्व करना है कर सकते कोई मतलब मैं फ्री हूं। हाँ कल समझाएंगे, कल यही क्वेश्चन समझाएंगे।